अजमेर के अजय नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या निवारण के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 355 लाख की राशि द्वारा पाइपलाइन एवं पानी की टैंकी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया, बताया कि प्रदेश में 35 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री जयपुर में जश्न मना रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक अनिता बदहल, विधायक वासुदेव देवनानी, सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार के विज्ञापन में लिखा है जल ही जीवन है और इस उक्ति को वास्तव में तो चरितार्थ किया था भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे जी की सरकार ने। और आज जिस पेयजल की टंकी के शिलान्यास के लिए मैं आया हूँ, मैं श्रद्धा से याद करूंगा स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी को कि अनीता जी बधेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने उदारता से इस क्षेत्र को 3 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की, जिसमें 2 पूरी हुई और ये तीसरी थी जो जमीन के अभाव में लंबित थी। मैं अनीता जी को इसके लिए साधुवाद दूंगा कि पानी पीने का आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उन्होंने अपने जज्बे से इसको पूर्ण करवाया और इस क्षेत्रवासियों की पुरानी लंबित मांग को पूरा किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे ये गौरव दिया कि मेरे हाथों से ये काम हुआ। मैं जहां खड़ा हूं, जिस तारागढ़ की तलहटी में, उस तारागढ़ से मेरा भी वास्ता रहा है कि जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते वहाँ से मैंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक से महाराजा सूरजमल के स्मारक तक एक पैदल यात्रा 500 किलोमीटर की करी थी, तो मुझे ये आनंद हुआ कि जब इन्होंने मुझे निमंत्रित किया तो मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, इस बात से पता लगता है कि जनता की समस्याओं के लिए कितने संजीदा हैं और किस तरीके से वो प्रयास करके उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको भविष्य की तरह देखता हूँ कि आज जो शुभारंभ हुआ है वो 2023 में हम लोग इससे भी ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर राजस्थान की जनता के लिए, अजमेर की जनता के लिए करेंगे। तो मैं अनीता जी को और इस क्षेत्रवासियों को खास तौर पर शुभकामनाएं देता हूं कि एक यथेष्ट कार्य पेयजल का आज पूर्ण होगा। सतीश पूनिया, सतीश पूनिया यार, विधानसभा चुनाव को एक साल और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में ही है, तो आपको लगता है कि राहुल जी की यात्रा से आगे कांग्रेस को फायदा मिलना विधानसभा चुनाव में? मैंने 16 तारीख का राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो कंसर्ट देखा था और उस पर सुनिधि चौहान उसको बुलाया था। उस दिन मैं जोधपुर में था जहां मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के नज़दीक 32 लोगों की मौतें चली गई, मातम था। राजस्थान की जनता मातम मना रही है, ये कैसी उपलब्धि है कि राजस्थान की सरकार जश्न मना रही है। और सुनिधि चौहान चोरी